नमस्कार भैया बहनी, प्रपंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। बारहवीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर में ही कलेक्ट्रेट कार्यालय में जागरूकता के कार्यक्रम के आयोजन किएगा। समारोह में ही मुख्य अतिथि रीवा संभाग आयुक्त अनिल सुचारी मतदाता जागरूकता के शपथ दिवाइन और उत्कृष्ट काम करे वाले अधिकारी का सम्मानित करें। यही समय में ही विशिष्ट अतिथि CGM रीवा आशीष ताम्रकार, अध्यक्ष कलेक्टर इलैया राजा टी और साथ है संबंधित अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हम जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया था वो आज आवेदन करने के लिए टाइम दिया गया। सर, नाम जुड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन कैंप लगाया गया है कलेक्ट्रेट रीवा में। सभी वार्ड जिनका नाम न हो, मतदाता सूची 18 वर्ष के पूर्ण हो गए हो, वो अपना वोटर अपना फोटो एक रच और फॉर्म नंबर 6 भर के और अपना आधार कार्ड और क्या है आधार कार्ड होगा और दो प्रति फोटो राशन कार्ड की फोटो कापी, ये बिजली का बिल, ये दो तीन डॉक्यूमेंट लेके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और जो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अपना स्थानांतरण कराना चाहते हैं। कुछ दिन पहले बाणसागर नहर में ही एक युवक के शव बरामद भा रहा, जो उनके मर कायम कर पुलिस जांच करा रही। वहाँ युवक के पिता सुखलाल बंसल जो उनके सीधी के रहे वाले आही, उन गांव के लोगों ने माही हत्या के आरोप लगाए और जांच करके दंडात्मक कार्रवाई के मांग करी ही वे। वह पीड़ित के माने तो उनके बेटा के हत्या रमा शंकर, विनोद द्विवेदी, महेंद्र द्विवेदी, सुरेंद्र तिवारी, अमित द्विवेदी जो उनके भरतपुर के रहने वाले आई सब मिल के कई दिन और बाद में शव का नहर में फेंक दिन। वह पीड़ित के मानी था उनका लड़का अल्ट्राटेक सीमेंट में काम करत रहे, जहां ई आरोपी काम करत रहे हमार, जे लगातार उनका जातिगत भेदभाव के लाने परेशान करत रहे। घटना 13 दिसंबर 2021 की आया, जब जितेंद्र कुमार बंसल करीब 10:30 बजे सुबेरे अल्ट्राटेक प्लांट बघवार खातिर निकले रहे, जो उनके घर लौट के नहीं पहुंचे। पापा या और मम्मी को उसको घर वालों को फोन लगाया, नाइकी से आप डाउन करता रहा सर, बघवार फिट्टी ड्यूटी जाता रहा सर। तो वो लोग गए तो वहाँ फिर थाने माहिन कोई सुमगदी का रिपोर्ट लिखा गया, ना FIR दर्ज किया गया। उसके बाद जो है तो 18 तारीख को उसका शिलपरा नहर में जो है तो उसका बॉडी मिली सर। तो उसको चेहरा जो है तो कोई पहचान में नहीं आता रहा सर, वो कपड़ा से पहचान मिला सर। सिंगरौली जिला में ही लोकायुक्त पुलिस कार्रवाई करी, जहां नवा नगर थाना में पदस्थ मुंशी का 10,000 रुपया के रिश्वत ले रंगे हाथ गिरफ्तार करी। प्रधान आरक्षक जानकी तिवारी गाड़ी के एंट्री के नाम पर उमा शंकर दुबे से रिश्वत के मांग करे रहे। लोकायुक्त पुलिस लगातार घूसखोर पुलिसकर्मी खातिर यह अभियान चलाए रही है, जोनी माही पिछले 3 माह में आधा दर्जन पुलिसकर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या पूरा मामला, किस तरह की शिकायत थी सर? ये सर फरियादी हैं उमा शंकर दुबे, ये बेसिकली ट्रांसपोर्टर हैं, जो कचनी तहसील जिला सिंगरौली के रहने वाले हैं। इनके कोल माइंस के जो है डंपर चलते हैं, इससे कोल को लाना और ले जाना होता है। उसी एमज में नवानगर थाने से उनके चूँकि ट्रक गुजरते होंगे, स्वाभाविक बात है। उसी इनकी के एवज में जो है वहाँ के जो प्रधान आरक्षक आरोपी है जानकी प्रसाद तिवारी, उसके द्वारा प्रतिमाह 15,000 रुपये की मांग की जा रही है। हरियाणा का ऐसा कहना है कि हमने पहले भी पैसे दिए थे तो और डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी उनको, और बार बार परेशान किया जा रहा है। उस शिकायत पर लोकायुक्त रीवा द्वारा सत्यापन कराया गया और जांच सही पाई गई। उसी तारतम्य में आज
जानकी प्रसाद तिवारी को रंगा हाथों 10,000 रुपए। बुलेटिन की अगली खबर रही त्रिमुला इंडस्ट्रीज से, जहां स्पंज आयरन फैक्ट्री गोंडवाली में काम करे वाले वर्कर कमला शाह के ड्यूटी के समय में ही बॉयलर के चपेट में आए से झुलस गए, जिनका बनारस खातिर रेफर किन गया रहा। इलाज के दौरान कमला के मौत हो गए। लाश के उतर परिजन और ग्रामीण लापरवाही के आरोप लगावे के साथ है हंगामा करे, जो ने वही फैक्ट्री के सामने लाश रख के घंटन प्रदर्शन करे। परिजन को उकसाने लगे और उन्होंने कहा कि मैं अभी इसको 40,000 और 30,00,000 दिलाऊंगा, इस तरह 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 की बात करके रोकने का प्रयास किया और उपद्रव मचाने का प्रयास किया कंपनी खिलाफ, जबकि परिजन जो है अपने शव को अपने घर अंतिम संस्कार के लिए ले जाना चाह रहे थे। पुलिस ने उन सभी लोगों को जो है फोर्सफुली वहाँ से अलग कर दिया और उनको परिजन को अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाने दिया। जिन लोगों ने पुलिस की कार्रवाई और राजस्व अधिकारियों की कार्रवाई में रुकावट पैदा किया था उनके विरुद्ध जो है। बुलेटिन की अगली खबर रीवा के चौराठा थाना से रही, जहां वार्ड नंबर 2 के दोही के रहने वाले नीलेष त्रिपाठी पिछले दिनें आरोप लगाए रहे कि क्षेत्र में ही जमकर अवैध मादक पदार्थन के कारोबार फलत फूलत ला है, जोने में क्षेत्र के कई तस्करों शामिल हैं। ये आरोपन के संबंध में ही स्थानीय निवासी कमलाकर पांडे बताएं कि उनका कोनो मेर से कारोबार संचालित नहीं आए, युवक व्यक्तिगत रंजिश के चलते उनके ऊपर आरोप लगाएं। वह जोने समय में ही पुलिस छापा मारे रही, घटनास्थल पर जरूर उपस्थित रहे, पाए उसोर शराबा सुन के घटनास्थल पर पहुंच गए रहे, जोने के चलते युवक का लाख के वो आरोपियों के बीच बचाव पहुंचे हैं, जिसके चलते युवक यमे के आरोप लगाए। आई अपना को सुनाई थे लगाए गए आरोप के संबंध में ही कमलाकर पांडे का कुछ बताए। वीडियो वायरल हो रहा था जी, जिसमें एक युवक आरोप लगा रहा कई लोगों के खिलाफ की तस्करी करते हैं, शराब बेचते हैं, क्या मामला था, किस कारण से वो आपका नाम लिया? हमारा नाम दरअसल 2-3 दिन पहले की रात में लगभग 11 बजे की बात है, मैं मार्केट से अपना काम करके घर आया, पत्नी ने भोजन के लिए बोला, खाना खाने के लिए जैसे ही बैठा, मेरे घर के ठीक सामने पटेल रहते हैं और उनके जो बड़े लड़के हैं वो होटल खोले, उनकी माँ मेरे यहाँ आई, बोली कि चले जाइए थोड़ा ढाबे तरफ, कुछ लोग आए हुए हैं, कोई विवाद की स्थिति है, शायद कोई पुलिस वुलिस आई। तो मैं वहाँ से अपनी थाली छोड़ के गया, वहाँ से निकला गया तो मौके में जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे कोई नहीं था, सब चले गए। ये जो गब्बू त्रिपाठी हैं इनका नाम हमको पता चला कि ये पड़ोस के ही है मेरे, ये जब इनकी जानकारी हुई कि ये आए थे तो मैंने इनसे फ़ोन करके ये कहा कि आप कहाँ पर हैं, तो बोले BTL चौराहे में आ जाइए। मैं वहाँ गया इस उद्देश्य से गया कि इनको शांत करवा के घर चले जाएँ, अननेसेसरी किसी तरीके का कोई विवाद ना हो। सोशल मीडिया में ही पिस्टल के साथ फोटो डाला बैठे युवक और उनके गिरोह का महंगा पड़ेगा, पुलिस युवक का पकड़ के पूछताछ करीन ता 5 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आए गए, जो में से 3 पिस्टल और देसी कट्टा साथ है जिंदा कारतूस बरामद भा। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर का जानकारी मिली रही कि सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हो रही, जोने में ही युवक पिस्टल का लहरावत दिखा देला हम, जोने में ही युवक पिस्टल का लहरावत दिखातला हम, सूचना पौते पुलिस युवक के संबंध में जाँच पड़ताल करी तो यह जानकारी भय की युवक लक्ष्मण बाग बगीचा में ही अवैध तरीका से पिस्टल के साथ फोटो खिंचाए के उका पोस्ट करे रहे। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से पहले जो घर जाना होता था थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, इस तरह के लोग हैं जो मीडिया पर व्हाट्सएप फेसबुक या अन्य किसी सोशल मीडिया पे पेपर के साथ उन्होंने फोटो डाल देते हैं, जिससे दिखाना चाहते हैं लोगों में एक अपना गया भूतवा या बदमाश होने का चिन्ह छोड़ना चाहते हैं या लोगों को डराना चाहते हैं, समाज में दहशत फैलाना चाहते हैं, इसी तरह के प्रदूषण मिला था। और हम लोग लगातार हमारे पुलिसकर्ताओं को सूचनाएं मिल रही थी कि आसपास के क्षेत्र में व्यापन के बारे में लोगों को जो बदमाश टाइप के लोग हैं व्यापन खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं और व्यापन अपने पास रखना चाहते हैं, बड़ा शौक रहता है नंबर पेपर रखना चाहते हैं, तो उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। गत रात्रि में भी इस तरह की सूचना मिली कि एक फेसबुक पर व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर जो फोटोग्राफ आया था एक व्यक्ति का, उसको पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, पत्थराइज कर रही थी। इसी क्रम में लक्ष्मणपुर के पास में एक लक्ष्मणबाग के पास
एक सूचना आने पर थाना प्रभारी को हमारे पीछे ऐसा थे जगदीश मिठा को उनको जानकारी मिली कि वहाँ पर चार पांच लोगों का एक गैंग है जो हथियारों की खरीद फरोख्त में लगा हुआ है और इस तरह से वो वहाँ पर सूचना को उन्होंने तस्दीक हुई पुलिस अधिकारियों को बताया एसपी साहब को बताया और एसपी साहब के द्वारा हमारे जो सी एस पी साहब हैं शहर की और थाना प्रभारी की टीम के साथ वो उनको वहाँ अब लगातार नजर रखकर उनको घेराबंदी करके पकड़ने के लिए लगाएंगे। बुलेटिन की अगली खबर रही सतना से, जहां शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्रन के मदद से नगर निगम शहर के पार्क के पेड़न का QR कोड लगाई। ये कोड का स्मार्टफोन से स्कैन करे पर पेड़ के बारे में सलगी जानकारी मिल सकी। सोमवार का ही नगर निगम कमिश्नर तनी हुड्डा सिविल लाइन में चौपाटी पार्क में QR कोड लगाई। गौरतलब है कि यह QR कोड लगाए के प्रोजेक्ट नगर निगम कमिश्नर को बहुत पसंद आवा है। कमिश्नर बताएं कि नगर निगम क्षेत्र के दायरा में ही 71 पार्क हमें जहां मौजूद पेड़न पर QR कोड लगावा जाए। साथ ही यह कहें कि खुद उ कई पेड़न के खासियत के बारे में नहीं जाना चाहिए, जिनका अब QR कोड के जरिए जाने के प्रयास करी। सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। बेसिकली ये सबके अंदर एक जिज्ञासा का माहौल डेवलप करने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि हमारे जितने भी विभिन्न पार्क हैं सतना नगर निगम के अंतर्गत, उसमें जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनकी खूबियां हैं। अभी आप अगर उसको स्कैन करेंगे अपने मोबाइल कैमरे से तो आप एक वेब पेज पे जाएंगे और वहाँ पे उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। सतना में ही सरेआम एक ठे युवक का पीटे के वीडियो वायरल हो रहा है, जिन्हें में ही एक बाइक सवार युवक का रोक के लाठी दंडन से बेरहमी से पीटा जा रहा है। अपने बताई के वीडियो में दिखाए वाले सभी लड़का नाबालिग हमा। वीडियो सामने आए के बाद पुलिस मामले की शिकायत दर्ज करी थी और वैधानिक कार्रवाई में जुटी है। बुलेटिन की अगली खबर मऊगंज से है, जहाँ पिछले रात सिविल अस्पताल मऊगंज में ही स्टाफ नर्स अर्चना गुप्ता के साथ अभद्रता और वहां मौजूद सफाई कर्मचारी विनोद स्वीपर का गुंडागर्दी के जानकारी दे के लाने उनके साथ जम के मारपीट की गए। अस्पताल प्रबंधन के मानी तो मऊगंज सिविल अस्पताल में ही एक मरीज कलय के कुछ परिजन पहुंचे रहे जो उनके नशा में रहे और बाद में जे उपद्रव करे। सबसे लास्ट में यहाँ आया हूँ, एक आदमी रहो बाकी चलो कोई बात मैं हूँ। ये मारा है कि ये मारा ये सीटर पर ये हमको मारना चालू करा है उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले अपने सरकार के पीठ थपथपावा था, भले यह कहा था कि मध्य प्रदेश के सरकार गरीबन के हितन के रक्षा करे वाली सरकार आए, पर यह जिला में दूर दूर तक नहीं दिखात लगाए। गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा के संरक्षक नागेंद्र सिंह कलचुली, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र विश्वकर्मा प्रेस विज्ञप्ति में बताएं कि लक्ष्मणपुर नई बस्ती में ही 15 से 20 हरिजन परिवार का त्रिलोकीनाथ मिश्रा, रामजी मिश्रा और उनके परिजन सरहंगाई के बल पर जेसीबी मशीन बुलाए के सुबेरे करीब 11 बजे उनका घर में डुबा दी, साथ ही गरीब पर अत्याचार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है? बताइए। हम देवती सहदेव नाम है, का करें कि हम खाना पीना बना लो, आदमी लोग काम में चले गए। अब ये सोचन तो जैसे आ रहे हैं जनता का, यानी कि कोई को पानी पाला बढ़ा जो सोचन हुआ आ रहे हैं जा रहे थे कहीं घर खाली करे तो हम जब मेरे घर में घर में नहीं हम कैसे घर खाली करी, हम देवर पकड़े रहे उनका बीमारियाँ रहे ठंडे में भूखे मर गए सर, वहीं पे सब सब चप गया सर क्या करें, हम लोग मर गए वहीं, बकरी मर गई, कुत्ते पाले थे वहीं पे मर गए, हम लोग चारा हरियार के लिए बंद को निकल गए सर, ताला देकर सब मार डाल रहे वहीं पे घर पानी कर गए सर, दारू पीती सर हम लोग को मार मार कर घर गिराया गया, दारू भी पीते थे वहाँ, दारू फिर जा जाकर पांच दारू ले लेकर उसका उसको जिसका दे देकर सब मार डाले गैया सामान नहीं निकाला गया।